हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग? कोरोना से सेफ रहिए, ठीक है? घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 4 में आप लोगों ने रजिस्टिविटी तक क्लियर कर लिया था, रजिस्टिविटी तक आपने पढ़ लिया था। अब मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है रजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ये किस कुछ रजिस्टर्स, यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के रजिस्टेंस के बारे में हम समझेंगे। रजिस्टेंस तो आपने समझ लिया है क्या होता है, प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपका करंट के फ्लो को अपोज करता है कोई भी मटेरियल, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। एक्चुअली इसमें होगा क्या, पहले वो समझ लीजिए कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, है ना, इन अ पर्टिकुलर मैनर। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैनर, वो मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ना है। तो दो मतलब किसी पर्टिकुलर मैनर में रजिस्टर्स दो या दो से ज्यादा आपस में जुड़े होंगे, कनेक्ट होंगे, और उस कनेक्शन का हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देना है का मतलब क्या है, वो अभी आपको समझ में आएगा। हम एक यहाँ पे फार्मूला बेसिकली जनरेट करेंगे, तो ठीक है, वो फार्मूला आपका क्या होगा वो अभी समझ में आएगा। पहले आप दोनों मैनर देख लीजिए, किस किस मैनर में तुम्हारा कनेक्ट होता है ये, ठीक है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स क्या है, समझिए। जो भी ये देखते हैं प्लीज अपने 10th के स्टूडेंट को प्लीज शेयर करिए, ठीक है, वीडियोस। बाकी भी आपके टीचरों ने वीडियोस बनाना चालू कर दिया है तो आप देखिए, ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक। तो देखिए, पहला है आपका जो जिस मैनर में जुड़ा होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप समझते होंगे, जुड़ा होना, जुड़ना एक दूसरे से। और सीरीज और पैरेलल दो यहां पे आपके अलग अलग टर्म है। तो एक बार सीरीज में रजिस्टर्स को आप कनेक्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे, और एक बार पैरेलल में आप जब रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो उसके बारे में समझेंगे। बहुत बेसिक से पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो पहला मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं कि जब पहला तुम्हारा क्या होगा, रजिस्टर्स इन सीरीज, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर होगा। सीरीज का मतलब कैसा, सीरीज का मतलब होता है कि एक के बाद जस्ट दूसरे रजिस्टर का आ जाना, ठीक है, बीच में किसी भी पाथ डेविएशन का ना होना, बीच में कोई भी तुम्हारा कोई ज्वाइंट नहीं मिलना। अगर दो रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर के बीच में अगर कोई ज्वाइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई तीसरा पाथ नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा पाथ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं। मैं आपको एक पहचान भी मैंने आपको ना आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे सीरीज है कि पैरेलल, ठीक है? पहले आप समझ लो। तो मैं एक बनाता हूं, आपका सर्किट एक बना रहा हूं जिसमें 3 रजिस्टर्स आपके क्या हैं, ये रजिस्टर मान लेते हैं R1 रजिस्टर, ये रजिस्टर इसका रेजिस्टेंस है R2, और ये रजिस्टर थर्ड जिसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है? और ये पोटेंशियल डिफरेंस V की एक बैटरी कनेक्ट है जिसमें एक तुम्हारा करंट क्या फ्लो हो रहा है I, ये आपका हो गया, ये सर्किट हो गई। V वोल्ट की बैटरी है, I करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 एंड R3। अब ये तीनों देखो आपके कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। कैसे दिख रहा है मुझे, क्योंकि दो रजिस्टर के बीच में देखो कोई भी ज्वाइंट मतलब कोई भी दूसरा पाथ नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पाथ नहीं, तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में, ठीक है? तो क्या हम इसके लिए कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इन तीनों रजिस्टर्स को हटाकर एक दूसरा एक नया रजिस्टर लगाना चाहूं तो उसका रेजिस्टेंस मुझे कितना लेना पड़ेगा। बट ध्यान सुनो कि इफ आई वॉन्ट to reduce these 3 resistors and connect a new resistor,
विच इज इक्वल टू ऑल थ्री, ठीक है, जो किसके इक्वल हो, इन तीनों के इक्वल हो, देन वॉट वी डू, तब हमें क्या करना होगा, वॉट वी नीड टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए, ठीक है। देखो एक की पॉइंट क्या है समझना, कि अगर रजिस्टर्स दो या दो से ज्यादा आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, अगर रजिस्टर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, तो हमेशा उन सारे रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम होती है, उन सारे रजिस्टर में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। तो करंट आई यहां पे फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी करंट कितना होगा आई, इसमें भी करंट कितना होगा आई, और इसमें भी करंट कितना होगा आई, फिर करंट यहां से चला जाएगा आई, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करेंट विल बी सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्स। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इसका मान लेंगे वी वन, इसके लिए मान लेंगे वी टू, और इसके लिए क्या मान सकते हैं वी थ्री, क्लियर है ये बात। तो वी वन वी टू और वी थ्री मैंने मान लिया अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आई और आई तीनों के लिए क्या हो गया सेम करेंट, और आर वन आर टू आर थ्री इन तीनों का क्या है रजिस्टेंस, ठीक है, वैल्यू रजिस्टेंस की। तो अब ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जो आपको बताया जा चुका है, V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर होने का मतलब क्या है। अब देखो अगर मैं पहले रजिस्टर, इसको ना इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए, अगर मैं पहले रजिस्टर की बात करूं, तो पहले रजिस्टर के लिए वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, करेंट सेम है, और आर की वैल्यू क्या है आर वन। दूसरे रजिस्टर के लिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I R2, और तीसरे रजिस्टर V3 के लिए क्या हो जाएगा I R3, दिख रहा है, तीनों के लिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, पहले V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, कर सकते हैं, ठीक। अब एक बात समझना ना, कि ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है V, यही इन तीनों में डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स अगर हम इस V1 V2 V3 को ऐड करें तो कितना आना चाहिए V आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे ना हो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और V इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं आई आर बाई क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से हो जाएगा I, देखिए इन तीनों में हो जाएगा कॉमन, दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक। अब इन दोनों तरफ देखिए आप, इधर है आई आर और इधर है आई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो कंपेयर जब करेंगे बोथ साइड, मैं यहां लिख रहा हूं, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर जब करेंगे दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यही आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यहां पे आप आगे इसको और बढ़ा सकते हो, तो यहां से आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट या R टोटल, ठीक है, R टोटल भी लिखा जाता है, या R हम यहाँ पे टोटल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस R2 टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि ये दो ही या तीन ही रजिस्टर के लिए हो, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, दस के लिए, कितने के लिए भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन कि वो किसमें जुड़ा हो, वो किसमें कनेक्ट हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करेक्ट है। तो ये आपका सीरीज के लिए आ गया फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, सेकेंड इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए परेशान मत होइएगा, न्यूमेरिकल भी आपको करा दिए जाएंगे, पहले आप टॉपिक अपना समझते चलिए, ठीक है, टॉपिक समझते चलेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी, फॉर्मूला पहले देख लीजिए कैसे जनरेट होता है। चलिए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक,
पैरेलल कॉम्बिनेशन को बड़े ध्यान समझिएगा, सर्किट थोड़ा सा चेंज होगा, सर्किट में क्या चेंजेज आएंगे वो समझिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो सर्किट तो ऑब्वियसली चेंज होगी, और क्या की पॉइंट है ध्यान देखिएगा, की पॉइंट को भी मैं डिस्कस करूँ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रजिस्टर्स मैं ले रहा हूं, प्लस माइनस, मैं फिर से 20 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूं, ठीक है, और इसमें करंट में कितना मान ले रहा हूं फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस में मान लेता हूं R1, इसके लिए रेजिस्टेंस R2 और इसके लिए R3, मान सकते हैं, ठीक। मैंने वहां पे की पॉइंट बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, यहां पे ठीक उल्टा, करंट विल डिफरेंट फॉर ऑल द रेजिस्टर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ, बिल्कुल सही, सेम होगा सबके लिए। तो V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके लिए भी V और इसके लिए भी V, सही है ना, और करंट क्या होगा तीनों के लिए अलग, यहां देखो करंट I जाएगा एंटर करेगा बट इन तीनों में क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको मान लेते हैं मिला है I1, इसको मिला है मान लो I2 और इसको कितना मिला है मान लो I3, तीनों के लिए मैंने करंट ले लिया I1 I2 और I3। फिर से वही बात कि जो करंट होगा वो करंट जो टोटल करंट जा रहा होगा वही इन तीनों में डिवाइड हुआ होगा, जरूरी नहीं है इक्वल, इक्वल कब होगा पता है, जब ये तीनों रेजिस्टेंस के अमाउंट इक्वल होंगे तब करंट इक्वल होगा, अगर ये रेजिस्टेंस अलग अलग है इन तीनों का रजिस्टर का तो करंट भी क्या होगा अलग अलग होगा, बट जो सम होगा इन तीनों का वो किसके इक्वल होगा टोटल करंट के, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो फिर से कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला का, फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए हमें वही देखना है क्या कि ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट, तो यहां से आप बताओ मुझे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब तीनों रजिस्टर के लिए आप I1, I2 और I3 कैलकुलेट कर लो, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी V तो सेम है, R क्या है R1, I2 क्या हो जाएगा V सेम है R है R2 और I3 क्या हो जाएगा V सेम है V अपॉन R3, ठीक है। तो ये आपका हो गया I1, I2 और I3 की वैल्यू। अब मैंने बोला कि जो करंट आपका होगा वो टोटल करंट इन तीनों के सम के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सही है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए तो I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, I1 की वैल्यू क्या है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और इसकी वैल्यू V अपॉन R3, सही है। अब कॉमन क्या है V और I इज इक्वल टू, हम क्या जानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है V बाई R, तो यहाँ V कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर से भाई कंपेयर बोथ साइड, तो जब कंपेयर करेंगे आप तो V और V तो सेम है, या आप कैंसिल भी कर लो, कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये प्रूविंग आती है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसे ध्यान देखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला तीन रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको बोलना होता है अगर कोई पूछे तो कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो व्हाट यू विल से 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये पैरेलल के लिए था, मैं लिखना भूल गया सॉरी, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रहेगा, ठीक। तो ये आपका क्या मैंने बता दिया आपको दोनों केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा यहां पर ना स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियर आपको करता हूँ कि क्या गलती होती है, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा ना, एक लास्ट वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ही जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे, आपको पहले याद रखना है चीजों को और समझना है फॉर्मूला, क्योंकि ये बोर्ड में आता है फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, तो ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, ठीक। तो ये आपका हो गया सीरीज और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ होती है इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकाल मतलब जब कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल, तो पैरेलल में थोड़ी सी गलती हो जाती है, समझिएगा ना, मैं दोनों पे छोटा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, सीरीज पे भी और पैरेलल पे भी।
देखिए एग्जांपल क्या दे रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। जैसे मान लो अगर दो रजिस्टर आपके जुड़े हैं, ठीक है, ये मान लो आपका है 5 ओम और ये क्या है 7 ओम, ठीक। तो ये आपके किस में जुड़ा हुआ है, किस में कनेक्ट है, ये दिख रहा है साफ साफ किस में है, सीरीज में, ठीक है। तो इसका R टोटल मुझे निकालना हो तो R1 प्लस R2, ये है फॉर्मूला, 5 प्लस 7, 7 और 5 कितना हो गया 12 ओम। ये आपको क्या रखना है, ये है ओम यूनिट रेजिस्टेंस की। और यही मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, मान लो एक तुम्हारा एक है तुम्हारा 5 ओम और एक तुम्हारा क्या है 10 ओम, 5 ओम और 10 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो फॉर्मूला याद रखो क्या है, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2। तो यहां 1 अपॉन आर 1 की वैल्यू 5 और यहां पे 10, एलसीएम कितना हो गया 10, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3/10। इसी को कुछ लोग आंसर करके आ जाएंगे 3/10, लेकिन गलती कहां हुई, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली 1 अपॉन आर टोटल की, और हमें चाहिए क्या आर टोटल। तो आर टोटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/3, दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमने रेसिप्रोकेट बोथ साइड, देन दिस इज द आंसर ओम 10/3 ओम 3.33, करेक्ट। तो ये आपका जो मिस्टेक होती है छोटी सी वो ध्यान रखना है, पैरेलल में गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक समझा दिया, इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किस तरीके से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, और इस पे छोटे छोटे ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा तुम ये मत समझना कि इतना आसान आसान सा आ जाता है, अभी मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप पहले इतना समझने के लिए सुन, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, ठीक, बाय।